मैं जनाब थाना प्रभारी जनाब श्री राम नरेश यादव जी से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा सा माइक पर तशरीफ लाएं और हम छोटों को अपनी कीमती बातों से ज़रूर थोड़ा ही सही आप हम अपनी कीमती बातों से इन बच्चों को इन बड़ों को और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शें। आप माइक पर तशरीफ लाएं, मैं अदब के साथ आपको माइक पर बुलाता हूं। धन्यवाद। बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत हर्ष होता है जो हम लोगों की वर्दी को देख करके भागते हैं, घबराते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आज हम लोगों की वर्दी को प्यार से यहाँ बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है, बड़े हर्ष की बात है। बहुत खूब। मैं सर्वप्रथम हाजी साहब को तथा मंच पर मच्चा सिंह तमाम हमारे बुजुर्ग चचा के उम्र के समान इस मंच पर और जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ अध्यक्षता कर रहे भाई हाजी को मैं हृदय से इनका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत खूब। तथा ये छोटे बच्चे, ये बेटियाँ जिनका मन हर्षित हो रहा है आज हम वर्दी लोगों पर देख कर कि कौन वर्दी वाले हम लोग बीच में आ गए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम किया जा रहा है मैं ये भी बहुत गदगद हूँ। और इस क्षेत्र में देख रहा हूँ कि ये तमाम कॉलेजों में बच्चों का मनोबल बढ़ाने का ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है ये हम लोगों के समय नहीं कभी किया जाता था जब हम लोग पढ़ते थे जी, लेकिन अब किया जा रहा है। इससे बच्चों का मनोबल अवश्य बढ़ेगा, बच्चों का स्कूल आना ज़्यादा होगा, जो बच्चे स्कूल नहीं आते हुए वो भी इस को देख करके सोचते हो कि हम भी उस स्कूल में पढ़ें, हमें भी सम्मानित किया जाएगा, हमें भी उत्साहित किया जाएगा, गार्जियन भी उत्साहित होंगे। तो बड़ी अच्छी सोच है, अच्छा विचार है। और अब तो ये अंग्रेजी हुकूमत की पहनाई हुई वर्दी जिसे पहले वो नफरत किया करते थे, अगर इतना हमको प्यार करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी सबसे अच्छी कमाई है। क्या कहने, अगर हमको बुलाकर इन बच्चों के बीच में इस गांव के लोग, समाज के लोग, मोहल्ले के लोग, कस्बे के लोग अगर अपने बीच में बुलाते हैं और इतने सम्मान से हमको सम्मानित करते हैं, हमें प्यार देते हैं, तो मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। बहुत खूब। और हमारे इस कार्यक्रम से हमारे जो साथ के सहपाठी हैं निश्चित रूप से उनकी भावना, उनके विचार बदलेंगे कि जनता के बीच, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, माताओं बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो निश्चित ये जनता के लोग हमारे ही हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई हैं, हमको निश्चित प्यार करेंगे, निश्चित सम्मानित करेंगे। बेशक, पक्की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह देख करके, ये कस्बा सरायमीर में अभी हमारा सम्मान समारोह किया गया था और आज हाजी जी ने कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि आप आएंगे, हमने कहा बिल्कुल आऊंगा। अभी हाजी जी बोल रहे थे अपने भाषण में कि बहुत कीमती समय लेकर इस मेरे छोटे प्रोग्राम में थाना प्रभारी महोदय आए हैं, तो मैं इतना ज़रूर बता दूं कि मैं भी बहुत छोटे ही परिवार से हूं। मैं बहुत बड़े परिवार से होता तो बिल्कुल नहीं आता, तो मैं छोटे परिवार से हूं, छोटे लोगों का दर्द जानता हूं। बहुत खूब। छोटे लोग कैसे पढ़ाते हैं, छोटे लोग बच्चों कैसे स्कूल भेजते हैं, छोटे लोगों की व्यथा जानता हूं, इसलिए मैं छोटों के प्रोग्राम में अवश्य जाता हूं और कहीं जाऊं नहीं जाऊं। क्या कहें, और इन्हें ज़रूर प्यार करता हूं। तो मैं आज के इस बच्चों के इस प्रोग्राम में मैं हाजी जी का इस मंच पर मंचासीन अपने सभी बुजुर्ग सीनियर व छोटे भाई के रूप में जूनियर और ये बच्चों बेटियों को ढेर सारी शुभकामना मेरी तरफ से,
कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहे और बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, भाषण तो देना बहुत हो कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चों के बीच में क्या इतना बोला जाए। लेकिन इसको देख कर लगता है कि हम लोग भी अगर फिर से पैदा हो जाते, क्या फिर बच्चे होते आगे यहाँ पढ़ते, बहुत खूब, क्या तो कितना अच्छा लगता। बहुत खूब, क्या आज शाम का ये वातावरण, इस आसमान, खुले आसमान के नीचे जगमग जगमग रोशनी में कितना सुहाना लग रहा है अवसर कि मैं इसका इसकी बयां कितनी करूं, यह बयां करने योग्य नहीं है। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब सर जी, आपने सबका दिल मोह लिया है, हकीकत बता रहे हैं। बहुत कीमती बातें बहुत थोड़े समय में आपने हम लोगों को बतलाई और हम अवश्य उस पर ज़रूर अमल करेंगे जो आपकी कीमती बातें हैं। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम करके हम अपने बड़ों को बुलाएं, उनकी बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे छिपे होते हैं, बहुत सारी खूबियां और अच्छाइयां होती हैं उन बातों के अंदर। तो हम ज़रूर प्रोग्रामों में हमको इनवाइट करें, उनको बुलाएं, ताकि ये प्यार मोहब्बत की जो फिज़ा धीरे धीरे बन रही है वो बनती जाए, बढ़ती जाए। हम एक बार फिर उनका बहुत ज़्यादा, तमाम कमेटी और तमाम आए हुए मेहमानों की तरफ से, तमाम शोरा की तरफ से और तमाम बच्चों की तरफ से, पूरे मोहल्ला और गांव वालों, पूरे इलाका वालों की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए।